नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वजीत फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आइए सीखते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर YouTube चैनल बना सकते हैं और उससे पैसे जो है कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है और व्यूअर्स ने मुझसे काफ़ी बार सवाल किया है क्यों ना मैं एक मोबाइल पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो है कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है और वो चैनल नहीं बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँ किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है YouTube का चैनल बना सकते हैं और बहुत आसानी से। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल ने दोस्तों कल ही 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे हमारे। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल ही हमारे YouTube चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए थे, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हम चैनल को सपोर्ट किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं हमारी आज की नई वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप मेरा मोबाइल फ़ोन मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आपने सबसे पहले आपके मोबाइल में अगर गूगल क्रोम है या ऐसा वैसा कुछ है तो आपके पास होना चाहिए गूगल क्रोम मोज़िला। दोस्तों, मैं यहाँ पर गूगल को यूज़ करने वाला हूँ। इस तरह से आपके भी मोबाइल में एक लोगो होगा, इस तरह का एक ब्राउज़र होगा। .com को जो है सर्च कर लेते हैं। सो चलिए, तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने गूगल क्रोम पर जो है अपने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर एक सर्च का बटन देख सकते हैं इस तरह का। तो दोस्तों, इसके पास ही में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों, आप जो भी अपनी ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, याद रखिए दोस्तों, आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, जीमेल की आईडी जिसे बोलते हैं, उसके साथ आपने साइन इन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आईडी है, तो चलिए मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसका पासवर्ड जो है दे देना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लोडिंग चल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे गूगल क्रोम पर ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपका जो साइन इन हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों साइन इन होने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप इस तरह का एक ऑप्शन देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल का नाम जो है MS मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने पहले साइन इन कर रखा तो आपने यहाँ पर माई वीडियोस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह से अपने चैनल का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है डेमो चैनल, तो चलिए मैं इसका नाम जो है डेमो चैनल रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों, आपका जो YouTube का चैनल है वो क्रिएट डेमो चैनल इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियोस, आप अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो भी लोगो बनाया होगा अपने मोबाइल के लिए, तो आप यहाँ से जो है अपने लोगो को भी बनाने के बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके पास लोगो नहीं है, आपको लोगो नहीं पता है कैसे बनाते हैं अपने YouTube चैनल का, अगर आप बढ़िया लोगो बनाना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसी पे बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं मैं ये वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको ये बताऊं किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है लोगो बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बहुत बढ़िया स्टाइलिश लोगो। अगर आपने कोई वीडियो पूरी तरह से रेडी कर लिया है, आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को जो है यूट्यूब पर डालूँ, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जस्ट वंस क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का एक ऑप्शन जो है दिख जाएगा अपने मोबाइल फ़ोन पर। तो मैं थोड़ा सा जूम जो है इसे कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए अगर आप अपने कैमरा के साथ, कैमकॉर्डर के साथ, जहाँ आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में से जो किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर आपने वीडियो रखा हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके गूगल ड्राइव में वीडियो, तो आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप जो है वीडियो को अपलोड करने के बाद, तो चलिए मैं दोस्तों जो मेरे पास कुछ वीडियो होगी मैं आपको अपलोड करने के बाद दिखा देता हूँ कि आपने वीडियो को अपलोड कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप देख सकते हैं
चलिए मैं जो अपने कैमरा का थोड़ा सा दूसरी साइड पे कर लेता हूँ, जिससे हमें जो है काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो वीडियो है वो अपलोड हो रही है, 8% अपलोडिंग हो चुकी है वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आ जाती है ऑप्शन ट्रांसलेशंस, एडवांस सेटिंग्स। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, आपने आप कौन सी कैटेगरी रखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब वीडियो से पैसे कैसे कमाएंगे, अब मेन मुद्दा जो है इस बात पे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है आप बिल्कुल YouTube के यहाँ पर पास में, और यहाँ पर चलिए दोस्तों पहले इस वीडियो को जो है अपलोड होने देते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं आप यहाँ पर पब्लिक से इसे प्राइवेट पर रहने दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे प्राइवेट जो है रहने देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं या आपके व्यूवर्स हैं, जब तक आप पब्लिकली अपनी वीडियो को जो है पब्लिश नहीं करते हैं, तब तक कोई भी आपकी वीडियो को नहीं देख पाता है। तो सबसे पहले आप जो है अपना टाइटल लिख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए, मैं दोस्तों यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल दोस्तों होता है आपकी वीडियो किस बारे में, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बता दे हाउ टू मेक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जैसे पर डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप अपना, अगर आपके पास कोई फेसबुक का पेज है अपने चैनल के नाम का, अगर आपको आपके पास कोई ट्विटर का अकाउंट है तो आप उनका लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपके व्यूवर्स आते हैं वो उन लिंक से आपके जो है आपको फॉलो कर सकते हैं अपने आपके ट्विटर पर, आपके फेसबुक पर। तो इससे दोस्तों आप जब भी अपनी कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपके आपके फेसबुक, आपके ट्विटर, अगर आप स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों इन काफ़ी वेबसाइट्स पर या सोशल नेटवर्किंग पर आपकी जो है वीडियोस लोगों को नज़र आती है, और उससे दोस्तों आपके व्यूवर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप अगर YouTube चैनल के बनाने की सोच रहे हैं तो साथ में एक Facebook पेज भी बना लीजिए, एक Twitter का अकाउंट भी बना लीजिए। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाती है वीडियो थंबनेल। दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड का मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है, अभी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। चलिए तो वीडियो को अपलोड होने देते हैं, प्राइवेट पर रहने के बाद मैं आपको सेटिंग्स बता दूंगा किस तरह से आपने सेटिंग्स करनी है। सेटिंग पूरी तरह से हो गई है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसे डन कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है YouTube, इसके पास ही आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माय चैनल पर आ जाना है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर माय चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रोम के साथ ही इसे जस्ट वंस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल जो अपलोड हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपने सीधे सीधे जो है अपने YouTube चैनल को Google AdSense के साथ जोड़ लेना है। आप अपने YouTube चैनल को Google AdSense के साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको कोई भी पैसा जो है नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। आप ऊपर एक ऑप्शन देख सकते हैं, आपने नीचे आते हुए यहाँ पर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पूरी कंप्यूटर की तरह वेबसाइट जो है हमारे मोबाइल पर ओपन हो गई है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 0 व्यूवर्स है, अभी मैंने प्राइवेट पर रखा है इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आते हुए मैं नीचे से स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं चैनल, आपने दोस्तों यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं डेमो चैनल वेरीफाई। तो दोस्तों आप जब चैनल अपना बना लेते हैं तो आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक कोड आता है, आप वो कोड यहाँ पर देने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर जितनी भी जो आपको काफ़ी ऑप्शंस है वो इनेबल नहीं होती हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो है अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर लीजिए अपना मोबाइल नंबर देने के बाद। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं मोनिटाइजेशन। दोस्तों मोनिटाइजेशन क्या है, दोस्तों मोनिटाइजेशन जितनी भी आपके यूट्यूब चैनल पर एड्स आती हैं वो मोनिटाइजेशन के थ्रू ही आती हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू। तो सबसे पहले आपको जो है अपना चैनल जो है इनेबल करना पड़ता है मोनिटाइजेशन के लिए। चलिए मैं यहाँ पर मोनिटाइजेशन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसे इनेबल माय अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, आपने यहाँ पर 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर दूसरी ऑप्शंस को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गॉट इट की ऑप्शन आ रही है। चलिए मैं यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ।
और दोस्तों आप जो है देख सकते हैं, आप यहाँ पर आपको एक डॉलर का जो निशान जो है वो मिल जाएगा। आप यहाँ पर एक देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर एक डॉलर नज़र आ जाएगा। आप इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो चैनल की मोनेटाइजेशन हो गई है। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं दोबारा यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों अब ज़रूरी है गूगल एडसेंस के साथ जुड़ना। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप सीधे सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन कर लेते हैं और आपको एड्स के पैसे शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग्स पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपने थोड़ा नीचे आते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है, हाउ विल आई बी पेड। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपने नीचे आते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है, एसोसिएट एन एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाती है, मोनेटाइजेशन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू एडसेंस टू लिंक योर एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको सीधे सीधे जो है यूट्यूब गूगल एडसेंस की वेबसाइट पर भेज देगा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, आप इससे मिस मत कीजिए, काफ़ी मुझसे हर रोज़ इस बारे में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, इफ़ You are already an AdSense publisher, you must sign in with the Google account. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो दूसरा मत बनाइए। तो दोस्तों ये गलती आप मत कीजिए। अगर आपके पास एक Google AdSense का अकाउंट है तो एक पर को ही रहने दीजिए। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं नई या नया YouTube चैनल बनाते हैं तो उसे भी इसी Google AdSense अकाउंट के साथ जोड़िए, नया अकाउंट मत बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। काफ़ी मुझसे पूछा जाता है कि सर यहाँ पर वेबसाइट क्या नाम देना है या वेबसाइट कैसे देना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस आपकी चैनल के यूआरएल को जो है कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट लैंग्वेज इंग्लिश। चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर टाइम जोन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल या बिजनेस। तो दोस्तों अगर आप खुद के लिए चैनल बना रहे हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल पर रहने दीजिए। आप यहाँ पर जो है अपना चैनल का जो है एड्रेस, मान लीजिए आपका जो भी एड्रेस है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देने के बाद, अपनी स्टेट चूज़ करने के बाद, यहाँ पर आप 5 बार यस जो है सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 या 2 दिन में आपकी जो है एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है और उसके बाद आपके चैनल को जो है इनेबल कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो है पूरी तरह से बन गया है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप अपना कोई पिक्चर, मान लीजिए अगर आप कोई अपनी लोगो बनाकर डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी पिक्चर का लोगो जो है अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको बता दिया था, अगर आपको पता करना है कि यूट्यूब पर लोगो कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि आप बढ़िया अपने चैनल का नाम लिखने के बाद को लोगो बनाना चाहते हैं, तो आप मैं उसका नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप उस पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करने के बाद जो है अपने चैनल का एक लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियोस अपलोड करने के बाद उन्हें पब्लिश कर सकते हैं और पैसे जो है कमा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।